अज असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं डॉक्टर इंदरबीर सिंह निजर जी दे नाल जो कि आम आदमी पार्टी दे दखनी अमृतसर दे हलका इंचार्ज ने। डॉक्टर इंदरबीर सिंह निजर ने केजरीवाल जी की सोच नूं बेहद सराहिया। उन्होंने दसिया कि जे 2022 दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब विच आउंदी है तो पंजाब का विकास भी दिल्ली की तर्ज से किया जाएगा। उन्होंने दसिया कि आम आदमी पार्टी 600 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया करवाएगी और 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी। नाल दी नाल उन्होंने दसिया कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो सरकारी स्कूलों दिल्ली की तर्ज से स्मार्ट स्कूल तब्दील किया जाएगा। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर इंदरबीर सिंह निजर जी नाल। जिस तरह एक आम आदमी एक आम जो यूथ हैगा अज उहदा विश्वास जिहड़ा हैगा पॉलिटिक्स वगैरह तो बिल्कुल उठ चुका हैगा और बड़ा उन्हों का माइंड सीडेटिव हैगा कि करिए असी क्योंकि जिस पास जाते हैं देखते हैं कि अज का जो सिनेरियो है उसके विच किसी बंदे की कोई सुनवाई नहीं हो रही परेशानियों का जोड़ा सबब बनया हुआ तुहाडे वर्गे जोड़े लोग ने जोड़े अमन पसंद और जिन्होंने सारी जिंदगी एक पॉलिशड जिंदगी जी कढ़ी हुई है ईमानदारी के नाल की कहना चाहोगे? तुसी बिल्कुल ठीक नबज पकड़ी पंजाब के यूथ की। लोग कहते कि पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है क्योंकि उन्होंने नौकरियां बाहर जाके लभनिया है, पर मैं कहना कि लोग यूथ तो साढ़ा बाहर जा रहा है क्योंकि प्रशासन खराब हो चुका है। इतने कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, गैंगस्टरिज्म बहुत बढ़ गया है, ड्रग्स बहुत बढ़ गए ने, बच्चों बिल्कुल कोई निशाना कितने नहीं है, जोड़ा पढ़ाई का म्यार है वह बहुत लो है। साढ़े एजुकेटेड लोग ने लेकिन अनइंप्लॉयबल ने, उन्होंने इंप्लॉयमेंट उस एजुकेशन में मिल नहीं सकती। सो ये बाकी तो इंप्लॉयमेंट जरा एजुकेशन की गल करा तो यू टाइम लगेगा हाले इवॉल्व करद, लेकिन जो प्रशासन है रातों रात ठीक किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे यहोजे मुलाजम बहुत यहोजे चंगे अफसर है जो चंगा काम करना चाहते हैं लेकिन कोई सियासतदान उन्होंने को करवाना नहीं चाहता क्योंकि सियासतदाना का एक मकसद है कि साडा जरा ना पावर बनी रहे, साड़ी जेब भरी जाए, सानू रिश्वत मिलती रहे, तो उन्हों का मकसद यही है। इस करके वो प्रशासन उन्होंने लोगों के हथ दे देंगे, उन्होंने अफसर के हथ दे देंगे ने जोड़े करप्ट होंगे ने जोड़े उन्होंने गल मनते हैं। सो आम आदमी पार्टी के आने फर्क पै जाएगा क्योंकि असं वो अफसर कट के अगे लगावे जिन्हों को ना तो असी रिश्वत लाँगे तो ना ही उन्होंने लैन देंगे। सो जो रिश्वत नहीं चलेगी तो कुदरती गल है एक अफसर का काम करना होंगे वो काम करेगा। दूजी गल है कि जोड़े साढ़े सियासतदान ने जे वाल जी सियासत करना है आम आदमी पार्टी के वो सारे मेहनती ने, उन्हें सबने अपने अपने काम किए ने, उन्हें हर एक ने 10-10, 12-12 घंटे काम किया। सो असी पावर आने के बाद भी इस तरह ही जिते सूँ कोई ड्यूटी लगेगी उत्थे बैठा, जे 9-5 ड्यूटी है अफसर की तो 9-5 असी भी बैठा और अफसर भी बिठावे और जवाबदेही होएगी साड़ी भी तो उन्हों की भी। इस करके जरा माहौल असी बनावे लोगों वास्ते मैं आस है कि साडे नौजवान जड़े ने जो बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल मायूस होए ने और मायूसी जी बार भजते ने तो उन्होंने जरूर एक रोक लग जाएगी क्योंकि नौजवान हर एक यही चाहता मैं अपने माँ प्यो लागे रहा, मैं अपने घर च रहा, मैं अपने शहर च रहा, भाए मेरे को पैसे घट हो लेकिन घट्टो घट प्यार मैं माँ प्यो का मिलता रहे। सो असी वही माहौल दोबारा लेना चाहते हैं। जो सियासतदान इलैक्शन जित लेंगे ने तो उन्होंने गवर्नेंस वाल उन्होंने वाल ध्यान नहीं जाता, उन्होंने ध्यान एक होंगे कि अगली इलैक्शन किमें जितनी है। सो उस वास्ते वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर लेंगे ने, अपने जोड़े सपोर्टर होंगे उन्होंने सपोर्ट करनी शुरू कर देंगे ने गलत कामों। सो इस करके उन्होंने सारा ध्यान जरा ना वो प्रशासन वाल नहीं जाता, उन्होंने थिंकिंग वाल नहीं जाता, उन्होंने प्लैनिंग वाल नहीं जाता, उनका अगली इलैक्शन वाल चल जाता। यही तो फर्क होंगे स्टेट्समैन तो पॉलिटिशन, जो स्टेट्समैन होंगे ने वो कि बारे सोचते हैं अगली जनरेशन बारे, जो पॉलिटिशन ने सोचते हैं अगली इलैक्शन बारे। साढ़े को जिन्हें सियासतदान ने सारे पॉलिटिशन ने, इन्हें स्टेट्समैन कोई नहीं है। साढ़े को बड़े सू उम्मीद से कि बादल साहब वर्गे बंदे कोई या कैप्टन साहब वर्गे बंदे जो पढ़े लिखे भी ने, जायदादें बड़िया बहुत ज्यादा ने, लोगों ने बहुत उन्होंने प्यार दिता है, सानू आस सी लोगों को ये साढ़े स्टेट्समैन बनने। पर यह तो इन्हें पुत्र मोह च फस गए कि अपने पुत्र के मोह च इन्होंने उस तो गांह कोई नज़र नहीं आता, ना पंजाबीयत कुछ नज़र नहीं आता। जो आम आदमी पार्टी आएगी तो क्योंकि असं एक बार इलैक्शन जित गए सानू अगली इलैक्शन की टेंशन होनी नहीं है, अगली इलैक्शन दे ही वैसे ही साड़ी वाटते धरी है, असं उतरे चूंगे चे जित जानी है क्योंकि साढ़े कम 5 साल के बोलणगे। सो साडा ध्यान अगली इलैक्शन वाल नहीं होएगा, साडा ध्यान कम्मां वाल होएगा और कम्मां जिहड़े बड़े बेसिक जे मुद्दे हैगे ने जिवें साफ पानी पींदा है, जिवें एडमिनिस्ट्रेशन है, जिवें ट्रैफिक है, जिवें ड्रग्स ने, जिवें गैंगस्टरिज्म है, चंगे स्कूल बनाने, चंगे हस्पताल बनाने जिन्हें फ्री इलाज चले, फ्री पढ़ाई होवे। सो ये है बाकी लोंग टर्म पॉलिसीज ने कि असी कितना जी ग्रीन रेवोल्यूशन से उन्होंने असी दोबारा कन्वर्ट करना है एक ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन दे विच, पानी कंजर्व करना है जिवें इजराइल है एक एरिड एरिया जिते रेगिस्तान एक किस्म का
लेकिन हुण तुसीं उहनां दे वेखो इन्ने चंगे उत्थे बाग लगे ने उत्थे तुसीं कोई बूटा अनार दा बूटा ले लो तो अनार दे बूटे जो कहणगे ते 500 पीस लगणगे और 500 पीस इको शेप इको साइज़ और एक अनार जो कहेंगे ना 500 दाना तो 500 दाना निकलूगा। चलो जेनेटिकली मॉडिफाइड कह लो जो मर्जी कह लो लेकिन प्रोडक्शन बहुत वधी है उन्होंने और सारी उन्होंने ड्रिप इरीगेशन ना वधाई है तो जे वो ना पानी होने के बावजूद ये सारा कर सकते हैं तो पानी होने के नाल कर सकते हैं ड्रिप इरीगेशन वगैरह। खर्च लगेगा सब कुछ होएगा लेकिन एक्सपर्टीज अवेलेबल है। विल पावर चाहिए है थोड़ा इरादा चाहिए थोड़ी सोच चाहिए है। केजरीवाल साहब साढ़े परमात्मा ने घले आ पंजाब का भी और मुल्क का भी सारा सिस्टम चेंज करने वास्ते। तो जी तुम गल की ना पढ़ाई की, पढ़ाई है तो बहुत है साढ़े लोग कहते हैं आम गल चलती है मेरे बेटे ने बीटेक की है मेरे बेटे ने एमटेक की है उनको नौकरी नहीं मिल रही। वह कारण है कि म्यार बड़ा लो है पढ़ाई का स्टैंडर्ड इन्ना लो है कि पंजाब का पढ़िया बच्चा पंजाब तो बाहर कितने तो जे पंजाब वैसे नौकरियां नहीं है। सो बच्चे पढ़े लिखे तुरे फिर रहे हैं वह कारण एजुकेटेड ने पर अनइंप्लॉयबल ने। सो जे असी म्यार वधाने पढ़ाई का म्यार पढ़ाई का तुम बारहवीं जाकर नहीं दस सकते ये तो छोटी क्लासों बताना पैंता छोटी क्लासों लिखत पढ़त होनी चाहिए है तुम्हें सोनी अंग्रेजी हिंदी पंजाबी होनी चाहिए है। सो ये जो एक हो जाएगा फिर बच्चा चाहे इतने रहे चाहे बच्चा बाहर जाए बाहर जाके भी फिर उन्होंने स्टोरों से काम नहीं करना पेगा उन्होंने लैटरिना साफ नहीं करनी पैनगियाँ वो अपनी जिन्होंने कहें वाइट कॉलर जॉब लगेगा तो ब्लू कॉलर जॉब लगेगा अपनी तो क्योंकि जाके बाहर कोर्स कर लेगा कोई भी बाहर जाके कोर्स कर सकता बच्चे अपने पढ़ते नहीं बाहर जाके तो जे चंगा पढ़िया होएगा तो बाहर जाके होर कोर्स कर लेगा और सोहनी नौकरी करेगा अपनी बच्चा बाहर जाके भी। इतने भी जो बच्चा इंप्लॉयबल होएगा तो पंजाब तो इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगी बाहर तो मिलेगी। दूजी गल है कि सानू पंजाब विच माइक्रो तो MSMEs बहुत होंदिया सीगिया अमृतसर बहुत सी बटाला सारा भरिया पिया सीगा गोबिंदगढ़ मंडी किनिया सी लुधियाना सारा भरिया सी मतलब ये सारे शहर जिहड़े सी अच्छा लैदर गुड्स किन्ने जलंधर विच लेकिन इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो गई है और ज़्यादा तो तब बंद हुई है कि पॉलिटिशन नज़र पैंती है वो कहते साडा हिस्सा रख लो तो कोई खोलन लग दे कोई लट से तुम कोई शराब की फैक्ट्री खोलन लगते हो तो तुम कहे साडा भी हिस्सा रख लो भी तुम की लगते हो उस हिस्से से अगला अपना एक्सपर्टीज लगा रहा अपना रिस्क लै रहा अपने पैसे इनवैसट कर रहा है तो वह तो चलो बढ़ेगा प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट कहदी गल का बन जाएगा बिना पैसे लगाया। सो ये साड़ी जी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जी इंडस्ट्री है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जी है माइक्रो इंडस्ट्री है इनू दोबारा सानू बधाना पएगा और ये टैक्सेस करके टैक्सेस नू घटा के और बत्ती जी है बिल्कुल उन्होंने 5 रुपए के रेट तक करके इंडस्ट्री वास्ते ये सारे सहूलत देंगे तो ही असं कॉम्पीटेटिव होवोंगे। अदरवाइज साढ़े ना फिर हिमाचल ही सस्ता है साढ़े ना JK सस्ता है चाइना तो वैसे तुम सबू पता कि सोहनी क्वालिटी आ रही है उतों बड़े सस्ती क्वालिटी सस्ती रेट पर आ रहे हैं। सो असी कॉम्पीटेटिव नहीं रेंगे सानू कॉम्पीटेटिव अपनी बधानी पेगी। अच्छा तुम दरबार साहब लागे जाते हो गलियां च गंद है नालियां गंदियां पईयां उत्थे एक ना हैरीटेज स्ट्रीट बनाती है लेकिन दरबार साहब के तो होर बड़ी एंट्रेंसिस है 8-10 होर है उन्होंने नहीं सोचना किसी ने वो नहीं किसी ने साफ करने। सो ये निके निके काम करने वाले इन्हों को बहुत ही एफर्ट नहीं चाहिए इन्हों सिर्फ एक दिल चाहिए एक दिमाग चाहिए। जो गलियारा बनाया तो वह बिल्कुल अनमेनटेनड है फाउंटेन चलते नहीं है उत्थे का हो गया पे मनिया म्यूनसिपैलिटी का काम है लेकिन जो म्यूनसिपैलिटी नहीं करती तो SGPC करा दे उन्होंने बंदा बेनती करे तुम करा दो लेकिन सुन के ता जो असं पावर चाहवे तो क्योंकि आउट ऑफ पावर किसी की कोई सुनता नहीं हिंदुस्तान पावर चाहवे साड़ी SGP सुनेगी तो सरकार साड़ी अपनी होगी म्यूनसिपैलिटी साड़ी अपनी होएगी नहीं भी होगी तो आप बन जाएगी अपनी ठीक है ना जी गल। सो ये गल्ला जरूरी है साड़िया कि जो अप्रोच है हरिमंदर साहब का वो बड़ा साफ होना चाहिए। नंबर दो जो यात्रु आते हैं ये पुलिस वाले खड़ोते होंगे ये ट्रैफिक रेगुलेट नहीं कर रहे होंगे ट्रैफिक गंद पा रहे होंगे इन्होंने जोड़ा नंबर बहर का 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यार घेर लेनी ने तो उन्होंने कुछ पता नहीं की लेंगे 100 200 कई बार जी करता रोक के पर बंदा सोचता किन्नू रोकेंगे हर मोड़ से हर गली के खड़ोते होंगे इन्होंने शर्म ही मारी गई है साढ़े पॉलिटिशियन शर्म ही सारी मारी गई है। और जोड़ा बंदा यात्रु आता है मत्था टेकन आता की इंप्रैशन लैके जाता साढ़े शहर का साढ़ी गुरुए धरती का। सो ये सारे काम सब ठीक करने पैणगे और मैनू पूरी आस है कि पावर चाउन के बाद असी बड़े आराम नाल कर सकांगे। नाले मैं तो वैसे काम करन नूं आते मैं जो डॉक्टरी भी की 12-12 घंटे की है तो जोड़ा बंदा काम करन गिजा उन्हें मुश्किल नहीं आती मुश्किल आती जिन्हें लोगों ने सारी जिंदगी काम नहीं किया जिन्हें माँ प्यो ने गांह पैसे देते उन्होंने या जिन्हें कब्जे कर ले या जिन्हें ड्रग्स पै गए या जो इन लोगों पैसे की कदर नहीं होंगी असी क्योंकि हथी पैसा कमाया सानू पैसे की कदर है नंबर एक गल। नंबर दो जे असी अप्रो जे असी एक्सैसेबल नहीं होना तो फिर असी पॉलिटिक्स लैन की आए हैं जो हम मेरी उम्र 62 साल की हो गई है तो जे मैं इस उम्र स्टैप आउट किया तो मैं सोच के किया कि जी कुछ ना कुछ तो करा आप जे केजरीवाल साहब ना आते तो आप पॉलिटिशन बनना सर अपना डॉक्टर चली जानी सी
पर जो केजरीवाल साहब आए तो साढ़े दिमाग भी गल आई सारे कि क्यों ना एक इन्होंने नाल बाहवा बनाई जाए, केजरीवाल दाहवा बनाई जाए और जो सोच इन्हों की है असी सोच में बढ़ाईए उस गलू, असी भी अपना नाल नाल जुड़िए केजरीवाल साहब के, तो जे साढ़े करके कोई एक दो परसेंट फर्क पैंता शहर के की माड़ी गल है। सो इस करके काम करा असं काम करा, तुम साढ़े मिनिस्टर वेखोगे जो एक बार सारी मिनिस्ट्री बनती है ना, मिनिस्टर 9 बजे जाके 5 उठा करेंगे कुर्सी तो, यह नहीं कि फीते फूते कट्टी जाएंगे, फीते कट्ट का काम आप होर किसी छड़ देंगे, असी बह के चंडीगढ़ जाके मिनिस्टर साढ़िया ने काम करना, जे MLA अपने काम करेंगे मिनिस्टर अपने करेंगे, क्योंकि जे असी ना कर सके तो असं आप बहुत निराश होवे, फिर तो मैं भी सोचा कि जो 5 साल 6 साल खराब किए क्यों किए, इन चंगा अपने काम कर लेंगे। सो असी आप क्योंकि बड़े परेशान हो जा रहे हैं जे असी काम लोगों के नहीं करते, इस करके असी लोगों के काम करा करा ताकि सानू भी संतुष्टि हो, सानू भी चंगा लगे, असी भी किसी अखाड़े जाइए अखाड़ा साफ सुथरा पिया हो। हुण इन्ने भलवान पंजाब दे, पंजाब की भलानी सारी खत्म हो गई है, सारी भलानी शिफ्ट कर गई हरियाणा के, सो सानू रिवाइव करनी चाहिए है। दिल्ली असी की रिवाइव पंजाब केजरीवाल साहब ने दिल्ली की है, इस तरह स्पोर्ट्स जी है, चलो शुक्र है दोबारा जी हॉकी टीम है इंडिया के काफ़ी सारे साढ़े पंजाब के मुंडे गए हैं शुक्र है, तो बाकी ट्रैक ईवेंट्स ही साडे मुंडे बहुत चंगे होंदे सीगे, लेकिन हुण साडे उन्ने मुंडे चंगे नहीं गए जिन्हें हरियाणा चंगे, मैं उन्होंने कोई जैलस फील नहीं करन दिया, लेकिन जो कोई चंगा काम करन नूं वेख के उत्साहित होना चाहिए सानू। सो ये सारे काम दोबारा रिवाइव करन जा रहे हैं असी, असीं स्पोर्ट्स वल बहुत ध्यान देना, पढ़ाई वल बहुत ध्यान देना, वील फील प्राउड ऑफ हासिल, सानू चंगा लगेगा पंजाबी नूं पंजाबी होना चंगा लगेगा। थैंक यू दोस्तों। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर इंदरबीर सिंह निचर जिंदाबाद, डॉक्टर इंदरबीर सिंह निचर जिंदाबाद।